Hi children this is Achilles sir with the video of chapter number 3 synthetic fibers and plastics in this video we will understand about fourth synthetic fiber which is acrylic this is picture of acrylic fiber we wear sweaters and use socks or blankets इन दिन मैनी ऑफ दिज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्राम नेचुरल वुल दो दियर टू रिजेंबल वुल हम सभी सर्दी के मौसम में स्वेटर पहनते हैं या फिर शॉल ओढ़ते हैं या फिर कंबल ओढ़ते हैं लेकिन यहाँ जानने वाली बात ये है कि ये सभी चीज़ें जो हमें लगता है कि प्राकृतिक ऊन से बनी होंगी वैसे बनती तो प्राकृतिक ऊन से भी है लेकिन कई बार हमारे घरों में जो स्वेटर सॉल और ब्लैंकेट हम यूज़ करते हैं और हमें लगता है कि वो प्राकृतिक ऊन से बनी हुई हैं लेकिन वो प्राकृतिक ऊन से नहीं बनी होती हैं वो प्राकृतिक ऊन जैसे दिखने वाली एक सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई होती हैं दीज आर प्रिपेर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रीलिक स्वेटर सॉल और कंबल जैसी सारी चीज़ें एक सिंथेटिक फाइबर एक्रिलिक से बनाई जाती हैं द वुल ऑबटेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप नेचुरल सोर्सेस यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से जो ऊन हमें मिलता है यानी कि जो भेड़ से हमें ऊन मिलता है और उससे जो गर्म कपड़े बनाए जाते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं जबकि एक्रीलिक फाइबर से बनाए हुए गर्म कपड़े काफ़ी सस्ते होते हैं एक्रीलिक वुलन क्लोथ्स आर लाइट वेट ईजी टू वॉश एंड ड्राई वेरी फास्ट एक्रीलिक फाइबर से बनाए हुए गर्म कपड़े या ऊनी कपड़े वजन में हल्के होते हैं और जल्दी धुल जाते हैं धोने में आसान होते हैं और धूप में जल्दी सूख भी जाते हैं ये देखिए जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सभी एक्रेलिक यार्नस हैं यानी कि एक्रीलिक के धागे एक्रीलिक फाइबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, बिकॉज एक्रिलिक फाइबर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर्स एक्रिलिक फाइबर को पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि एक्रिलिक फाइबर या फिर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल फाइबर बहुत सारे एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर को जोड़ बनाया जाता है नाव लेटस अंडरस्टैंड यूजेज ऑफ एक्रेलिक फाइबर ये देखिए जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये एक्रेलिक फाइबर के द्वारा बनाया गया स्वेटर है और ये एक्रेलिक फाइबर का इस्तेमाल करके बनाए गए शॉल हैं फाइबर का इस्तेमाल स्कार्फ बनाने के लिए भी किया जाता है एक्रिलिक फाइबर से बनाए हुए ब्लैंकेट यानि कि कंबल एक्रिलिक फाइबर का इस्तेमाल करके बनाया गया कारपेट यानी कि गलीचा और ये है एक्रिलिक फाइबर के द्वारा बनाए गए ग्लब्स यानी कि दस्ताने व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें